भारत की ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के अलावा और 12 देशों ने दिखाया इंटरेस्ट। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को और 12 देशों ने खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें इंडोनेशिया सबसे आगे चल रहा है और इंडोनेशिया के जो डील है वो फाइनल होने के कगार पे है, जो इस साल के लास्ट दिसंबर तक या कमिंग 2023 में पहले महीने दूसरे महीने में फाइनल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इसमें जो 12 देश हैं जो वो चाइना की दादागिरी से जो परेशान हैं, या तो उनका बॉर्डर लगता है चाइना से या सी लिंक के थ्रू उनका बॉर्डर लगता है चाइना से, वही कंट्री एशियान कंट्री हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्री हैं वो सारे इंटरेस्टेड हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल में। इसमें 12 कंट्री हैं, लेकिन अभी इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा विलिंग है इसको ख़रीदने के लिए। अभी लास्ट फिलीपींस से हुआ था, जो लास्ट डील हुआ था वो 374.96 बिलियन डॉलर में हुआ था। अभी इंडोनेशिया की नेवी ब्रह्मोस मिसाइल का यूज कर रही है, तो अभी फिलीपींस की इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में डिफेंस एक्सपो चल रहा है, वहाँ पे इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ही विलिंग थे, तो उनको डिफेंस एक्सपो के इंडियन पवेलियन में आए, तो वहाँ पे उनको ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के अधिकारियों ने दिखाया, तो वो बहुत ही विल हुए। और अब ऐसा लग रहा है कि फील अब डील अब क्लोज ही होने वाली है और जल्दी ही इंडोनेशिया से डील हो जाएगी, तो दूसरा जो भारत का मिसाइल खरीदने वाला देश बनेगा वो इंडोनेशिया बनेगा। ठीक है, तो हेलो गाइस, वीडियो पूरी तक देखना, क्योंकि अब आपको मैं एक और न्यूज़ देने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं, अभी इंडोनेशिया में 2023 तक में भी फाइनल हो ही जाएगा, तो इंडोनेशिया, हाँ फिलीपींस ऑलरेडी यूज कर रहा है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो रसिया और इंडिया के कोलोबोरेशन में बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल है। इंडिया में इसको सिप से भी करते हैं, एंड क्या बोलते हैं अपना सुखोई Su-30 MKI से भी इसका ट्रायल चल रहा है, और इधर ग्राउंड से भी इसका ट्रायल चल रहा है, तो ये तीनों हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइन फॉर साइन के प्लेटफॉर्म पे, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टडी, हाँ वही स्टडी साइन फॉर साइन, हाँ मेरा ही चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना आप। बेल आइकन को दबाओगे तो आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और मेरे वीडियो से और मुझसे कनेक्ट रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल मीडियम रेंज की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट कैन लॉन्च फ्रॉम सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं इसको, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से और लैंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इट इज़ अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ DRDO एंड रशियन फेडरेशन NPO, ठीक है, इसको PJ-10 भी कहा जाता है। द मेन ब्रह्मोस इज द नेम आफ्टर टू रिवर, दो नदियों के नाम से मिलकर ब्रह्मोस बना है, ब्रह्मपुत्रा और मास्को रिवर, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा जो है अपना चाइना से निकलती है और कहाँ तक जाती है, बांग्लादेश में। ब्रह्मोस मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस सतह से सतह मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ये। इन सर्विस 2005 से सर्विस में है, और इसको यूज करता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड फिलीपींस नेवी, ठीक है। फिलीपींस नेवी भी इसको ख़रीदा था लास्ट ईयर। वेरियंट इसके शिप लॉन्च्ड है, सरफेस लॉन्च्ड है, सबमरीन लॉन्च्ड है, एयर लॉन्च्ड है, ब्रह्मोस सेकेंड, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एंड ब्रह्मोस ER। ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड 300 kg ले जा सकता है, मास इसका 3000 kg है, एयर लॉन्च्ड है ये। इंजन स्टेज इसका सॉलिड रॉकेट, सेकेंड स्टेज इसका लिक्विड रैमजेट है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज करता है, और सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज करता है। मैक्सिमम स्पीड 3 Mach है, और इट इज क्लेम्ड दैट, ये ऐसा कहा जाता है कि द फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये फास्टेस्ट। तो जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।